शमशेर। वो मैंने हॉस्पिटल जाना है, बाबा की सर्जरी है आज। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए हैं, सर्जरी 8 बजे थी। मेरे तो मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? मजबूरी ना होती तो शायद अभी भी ना उठाती। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तुम अभी तक मुझे समझी नहीं। बुखार कैसे आप इसका? माथा कप रहा है, 3 दिन से बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसको किसी बड़े अस्पताल क्यों नहीं दिखाता? नहीं, अस्पताल नहीं जा सकता। काम ही क्यों करता है? मुझे तो टेंडर ना कर। जिंदगी जन्म बन गई है, कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सुबह कहीं, रात कहीं। एक बात बता दे, मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना, बख्शूंगी नहीं मैं तुझे। एक बार कहीं समझ नहीं आती? आता हूँ एक मिनट। साजी, आप पुलिस चौकी कितनी दूर है? तो बस 3 किलोमीटर दूर है। गाड़ी यहाँ पे रोक दो। यहाँ पर? तो यहाँ पर और कहाँ पर? लेकिन यहाँ उतर कर कहाँ जाओगे? तुझे जितना कह रहा हूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा, मत में नहीं आ रहा तेरे। जितना कह रहा हूँ उतना सुन, गड्डी रोक यहाँ पे। जानता नहीं मुझे? साजी गड्डी साइड पे ला दो। गड्डी साइड पे ला, चल चलिए। यहाँ कहाँ उतरेंगे? बाहर कितनी तेज धूप है, फुरकान के बुखार तेज हो जाएगा। तुझे जो कह रहा हूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा, सामान फट कर तोड़, चल। कहीं जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूं। खैरियत? समझ नहीं आ रहा बाबा साहब मुझे। आपने कहा कि महक के वालिद आपसे पैसे लेकर गए, यहां से जाते ही उनका हार्ट अटैक हुआ। उनका बाईपास है वहां जा रहा। शमशेर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम कह रहे हो कि बाबा साहब ने तुमसे झूठ बोला था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने झूठ कहा था या सच, लेकिन हकीकत यह है कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर से बात हुई मेरी, क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, सही नहीं हुआ उनके साथ। वाह वाह वाह, जमा जमा 4 दिन नहीं हुए अभी इस लड़की को इस घर में आए, और इस लड़की ने ये यकीन दिला दिया तुम्हें कि तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोल रहा। जब मैं बात करता हूं तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। बीवी है मेरी, बाबा साहब भी है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इससे स्टोन में बात। हेलो। हाँ हाँ, बस मैं पहुंच जाऊंगी। आई एम ऑलमोस्ट देयर, आई विल कॉल यू बैक। शमशेर, पहचाना मुझे? जी आप कौन? मैं वही हूँ जिसकी जगह इस वक्त तुम बैठी हुई। एक्सक्यूज मी, ज्यादा बनो मत। मैं और शमशेर एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारी शादी होने वाली थी, फिर तुम बीच में टपक गए। आप सब पागल तो नहीं है? शादी करनी है ना आपने इनसे? जाए कर लें।
मैंने आपको आपका शमशेर वापस दिया, पीछे ही खड़े। हाय शमशेर। हम दोनों एक दूसरे को नहीं, सिर्फ तुम मुझे पसंद करती। मेरी शादी हो चुकी है, इस बात का आइंदा ख्याल रख। शादी हो चुकी है तो फिर लोगों को बता क्यों नहीं देते हो? छुपा कर क्यों रखा हुआ है? लाइक नहीं है ना सोसाइटी में दिखाने के? या फिर लोगों को जवाब क्या दोगे कि मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो? जुबान पर काबू रखो। ये लोगों की जुबानें बंद करवाओगे? लोगों की जुबानें बंद करवाऊं या ना करवाऊं, अगर तुम फौरन यहां से दफा नहीं हुई ना तो तुम्हें जरूर गायब करा दूंगा। मैं जा रही हूं। मेरी एक बात याद रखो, तुम्हें एक ना एक दिन मेरी कदर जरूर होगी, याद रखो। नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपनी जिंदगी बनाओ। अभी कल ही तो आप मुझे कह रही थी कि शमशेर के वालिद ने बाबा से खुला की बात की। हाँ की है, लेकिन देखो ना शमशेर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, और कब तक उसके घर वाले तुम्हारे खिलाफ रहेंगे? तुम कोशिश करो, अपनी जगह बनाओ। तुम कबूल करोगी ना इस रिश्ते को महक, ना की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी बेटे। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब बातें आप कर रही हैं। आप भूल गई ये सब कुछ क्या? कितनी तकलीफें दी थी? बाबा की हालत के भी जिम्मेदार वो हैं, उसके घर वाले हैं। क्या चंद पैसों ने आप महक? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। चले। सॉरी पूछना भूल गया, अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे। अगर तुम वक्त पे पैसे ना देते तो उनकी सर्जरी ना होती। हम बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। शुक्रिया कि ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत हो तो पूछ लीजिएगा। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। सलामिक भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी मैं शामिल, निकाह पर आपसे मुलाकात हुई थी ना, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। आपके वालिद की तबीयत कैसी है? बेहतर है। तो लंच के लिए कहाँ चल रहे हैं? मुझे भूख नहीं है। हाँ लेकिन लंच तो करोगी, कोई तो चीज शौक से खाती होगी, तो बताओ वहीं चलते हैं खाने के लिए। जहाँ आपको ठीक लगे। ठीक है भाई, फिर वहीं चलते हैं जहाँ मुझे अच्छा लगता है। मैडम का मूड अभी तक खराब है शायद। What a pleasant surprise. एक दिन में दो दो मुलाकातें।
वैसे आई मस्ट से तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है. बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, बहुत ही लकी हो. सोफिया, ये तो वही लड़की है ना जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, मगर ये तो मर गई थी. हाँ, ये मर गई थी. आई एम श्योर मैंने न्यूज में देखा था. हाँ, मर गई थी, लेकिन अचानक जिंदा भी हो गई. सेलिब्रिटी है ये, प्लीज जाओ पिक्चर्स लो इनके साथ. प्लीज ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें समझ नहीं आता, तुमसे मैंने कहा था कि मैक से दूर रहो. क्या क्या करोगे तुम? लड़कियों पे हाथ उठाओगे? क्या जरूरत थी सब कुछ करने? Just listen to me. शमशेर के दोस्त हो, दोस्त ही रहो. ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें. पर्सनल मैटर तो है, लेकिन उन दोनों का. अगर तुम लोग रहने दो तो माफी मांगो उससे. फरमा, फरमा, मैंने तुमसे कहा माफी मांगो. शमशेर, मैंने आपसे कहा था ना मुझे इसकी माफी की जरूरत नहीं है. नहीं, तुमसे माफी मांगेगी, माफी मांगो. फरमा, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांगो. मैंने इसे माफ किया, आप जाने दें प्लीज. मैंने माफ किया. फर्मा, फर्मा, ये जबरदस्ती मुझे यहाँ घर से उठा के ले आए और अब मुझसे कह रहे कि मैं इस ड्रामेबाज लड़की से माफी मांगूं. जबान संभाल के बात करो. क्यों जबान संभाले? तुम तमाशा करोगे तो लोग देखेंगे नहीं. अभी इसे इसी वक्त यहाँ से निकालो ताकि हम सबकी जिंदगी आसान हो. भाभी, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब. तो निकालो अपनी गन, निकालो, मार दो हम सबको गोली. शमशेर, प्लीज प्लीज, मैंने माफ किया. प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ. प्लीज जाने दे. तुम्हारी औकात नहीं है माफ करने की. अपना मुंह बंद रखो. आप ऐसे बात नहीं करेंगे, इससे बीवी है मेरी. तुम शुक्र करो कि बाबा साहब इस वक्त घर पे नहीं है, वरना अभी इसी वक्त इसको धक्के देके मैं घर से बाहर निकलवाती. क्या मिलता है आपको मेरा तमाशा बनवा के? Assalamu alaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.